गाइस वेलकम बैक वंस अगेन एंड आई एम निकी फ्रॉम निकी एक्सपेंशन और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कुर्ता एंड प्लाजो सेट का रिव्यू करने जा रही हूँ, हॉल करने जा रही हूँ जिन्हें मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि समर स्टार्ट हो गया, एक्चुअली बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है, सो कॉटन के जो फैब्रिक रहते हैं हमें मोस्टली वो ही वेयर करना चाहिए। और कॉटन की जो कुर्तीज़ होती है वो काफ़ी कम्फर्टेबल भी रहती है और एयरी भी रहती है। तो मैंने सारे जो कुर्ता प्लाजो सेट मंगाए हैं वो कॉटन के ही है और सबसे अच्छी प्राइसिंग की ये है कि मुझे ये अंडर 500 मिल गए थे। सो बहुत ही अच्छा ऑफर और डिस्काउंट चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, सो अंडर 500 मुझे मिल गए थे मैंने जब उन्हें अप्लाई किया। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कौन कौन से मैंने कुर्ता प्लाजो सेट मंगाए हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट कुर्ती है ये इस तरह की है, ये मेरी फेवरेट है बिकॉज इस तरह की क्रीम कलर में है और ब्राउन कलर का प्रिंट हो रहा है। सिंपल राउंड नेक है ये, आगे इस तरह का वी में और फ्रंट में आप देख सकते हैं इस पे ऐसे गोटा पट्टी की गोल्डन कलर की लेस हो रही है नेक पर। और ये इस तरह की स्लीव्स है 3/4 और मीडियम साइज में मैंने ऑर्डर किया है। अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ भी इस तरह की गोल्डन गोटा पट्टी की लेस मिली है और पीछे से फुल प्लेन है ये। जैसे कि मैंने बताया सारे मैंने जो कुर्ता प्लाजो ऑर्डर की है वो कॉटन के है। सो इसका भी जो फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा समर में वेयर करने के लिए। और इसी के साथ जो प्लाजो मिल रहा है अगेन इस तरह का ब्राउन और क्रीम कलर का प्रिंटेड मिल रहा है, इस इलास्टिक मिल रही है हमें। इसका प्लाजो का जो नीचे का जो ये घेरे ये भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर इस तरह की गोटा पट्टी की लेस मिल रही है। सो अगेन इसका भी जो कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं क्रीम के साथ ये जो प्लाजो मिल रहा है प्रिंटेड काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, ये फर्स्ट है। अब जो सेकंड कुर्ता प्लाजो सेट मैंने ऑर्डर किया है ये इस तरह का येलो कलर में है बिकॉज समर्स में आप जानते हैं येलो कलर कितना प्यारा लगता है। और इसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कॉटन है, इस तरह का प्रिंट मिल रहा है, ब्राउन कलर का नेक है, आगे हमें प्रिंट मिल जाएगा और फिर पीछे फुल प्लेन है। इस तरह की ये लॉन्ग स्लीव्स मिल रही है और स्लीव्स पर भी ये रेड कलर की इस तरह की लेस प्लेन और फ्रंट में और बैक में ये इस तरह का रेड कलर का भी हमें इस तरह का बॉर्डर मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है ये येलो और इसी के साथ जो हमें प्लाजो मिल रहा है इस तरह का रेड कलर में है। और इसका प्लाजो काफ़ी लाइक बहुत ही अच्छा है, ढीला ढीला सा प्लाजो है, मीडियम साइज में मैंने अगेन से ऑर्डर किया है। इलास्टिक मिल रही है इस तरह की डोरी और फुल प्लेन है ये। सच्ची बात ये है कि अगर आपके पास कोई और कुर्ता है तो आप उसके साथ भी पैरअप कर सकते हैं इसे। सो ये तो रहा सेकेंड। अब जो थर्ड कुर्ता प्लाजो सेट है ये इस तरह का लेमन येलो कलर में है और ये इस तरह का अनारकली स्टाइल में है ये कुर्ता। और मैंने बहुत देखा था इसे फ्लिपकार्ट पे, पर मेरे पास एक भी कलर नहीं था, मुझे एक्चुअली पिंक चाहिए था बट वो आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने ये ऑर्डर किया बिकॉज ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। ब्राउन नेक है, आगे इस तरह की डिटेलिंग ये बटन्स और फिर स्लीव 3/4 प्रिंटेड है ये, फ्लोरल प्रिंटेड है। इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, फुल प्रिंटेड है ये। और इसी के साथ जो प्लाजो मिल रहा है ये भी सब प्रिंटेड मिल रहा है। और इसका इतना जो घेर है नीचे का ये ज़्यादा नहीं है, लाइक मीडियम है, बट ये अच्छा लगेगा बिकॉज जो ऊपर का कुर्ता है वो काफ़ी ऐसा लाइक घेर में अनारकली स्टाइल में है तो उसके साथ ये इस तरह का प्लाजो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो थर्ड कुर्ता प्लाजो है इसका भी कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल है ये वेयर करने में भी। सो इन ऑल जो तीनों कुर्ता प्लाजो सेट है वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अंडर 500 मुझे मिल गए थे और साथ में ये कॉटन का फैब्रिक है इनका तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है समर्स के लिए। सो गाइस आपने देख ही लिया और आई नो आप लोगों को भी ये कुर्ता प्लाजो अच्छा लगा होगा, स्पेशली फर्स्ट वन बिकॉज वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्रीम एंड बेज कलर का, अंडर 500 मिल गया है मुझे। और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे तो अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। और हाँ मे बी अभी शायद इनकी प्राइस हाई दिख सकती है आपको। सो या दैट्स इट विद टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल की स्पेशन। Till then, take care guys. I'll see you in my next video. Bye.